सभी को राधे राधे राम राम। जल्दी से आप सभी पहले तो सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, आज का सेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैंने समय रहते भैया आपका सेशन शुरू कर दिया, फटाफट से आ जाइए। क्लास इलेवेंथ में से चैप्टर वन से लेके चैप्टर फाइव तक कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट 2023 में, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो आइए मैं जल्दी से शुरू कर देती हूँ, ठीक है। फटाफट से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। क्लास 11 चैप्टर 1-5 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक डिटेल में। आइए भैया शुरू करते हैं, एनसीईआरटी थोड़ा सा मैं निकाल लूं यहाँ पर। चले तो पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, तो मैंने लिविंग वर्ल्ड को एनसीईआरटी खोली क्योंकि एनसीईआरटी से ही आप पढ़ते हो। एनसीईआरटी में इंग्लिश की खोल रही हूँ, आप सभी का काम है जो भी बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी के एनसीईआरटी खोलो, इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश की, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, मार्क करवा दूंगी, चैप्टर पेज नंबर बता दूंगी। तो क्लास इलेवेंथ का चैप्टर नंबर 1 खोल लेना, अध्याय 1 खोल लेना, हिंदी इंग्लिश बोथ भैया बच्चे, और मार्क कर लेना कहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड में से आपसे पूछा जाता है व्हाट इज लिविंग। देखिए लिविंग जीवित क्या है आपको पता होना चाहिए, ग्रोथ के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म के क्या होते हैं, सॉरी ग्रोथ, उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन ग्रोथ रिप्रोडक्शन ग्रो, याद रखना ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग नहीं है क्योंकि जो कपल भैया रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो भी तो लिविंग होते हैं ना, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म दे रखा है तो मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर माना जाता है, तो याद रखना, ठीक है। ये सारे आपको कुछ कुछ इतना जितना मैं बोल रही हूँ इतना इतना अगर आपको रिवाइज है ना तो काफी आपके लिए। फिर कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है। उसके बाद आप इन सारे पेजेस को स्किप करके आप यहाँ पर नीचे आ जाइए, नॉर्मन आपको पता होना चाहिए ISBN ICBN ICZN की फुल फॉर्म, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस वैज्ञानिक ने दिया था, उसके क्या क्या रूल्स हैं, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, इन रूल्स में से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ वाला ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए, एक व्हाट इज लिविंग, ग्रो, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ये चार क्राइटेरिया को पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो अभी तक, और आपका ये आपके क्या क्या रूल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की डेफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन की आपकी डेफिनेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन टेक्सा एक डॉग भी हो सकता है, स्पीसीज भी हो सकती है, जीनस भी हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन ये इतना नहीं पूछता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिए, इस डेफिनेशन को एक बार रीड जरूर कर लेना, बस एक बार रीड करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब आते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी में, यहाँ से आपका टेक्सोनॉमी कैटेगरी के आप पेज नंबर 9 पे आओगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको स्पीसीज पढ़ना है, क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं ये आपको याद होना चाहिए, अब आपको याद होना चाहिए कि स्पीसीज में कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ह्यूमन सैपियन, सैपियन आपका स्पीसीज है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम एक स्पीसीज है, तो ये आपको एग्जाम्पल जितने आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे कि क्या क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वाइल द फर्स्ट वर्ड मेंजीफेरा सोलेनम पेंथ्रा आर जीनस एंड रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मोरफोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, पेंथ्रा हैज अनदर एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलगोना। क्या बोला है कि आपकी जो सोलेनम जीनस है उसमें एक प्रजाति आती है, नाइग्रम भी आती है, मेलगोना भी आती है, ट्यूबरोसम भी आती है, तो सोलेनम एक हाइयर टेक्सा है, हाइयर टेक्सॉन है, हाइयर कैटेगरी है, ठीक है, जो जीनस है, वंश है, वंश के नीचे जाति आती है, तो सोलेनम के अंदर तीन प्रजाति, इस जीनस के अंदर तीन वंश आते हैं, कौन कौन से, नाइग्रम, ठीक है, ट्यूबरोसम, मेलगोना, ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ वही एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। सेम ऐसे जीनस को याद करना है कि भैया आपका सोलेनम जैसे यहाँ पर दे रखा है जीनस, सोलेनम एक जीनस है, पेंथ्रा लियो में से पेंथ्रा आपका जीनस है लॉयन, ठीक है, पेंथ्रा पेरेडस, पेंथ्रा आपका जो पेंथ्रा पेंथ्रा पेरेडस, पेंथ्रा लियो, ये सब पेंथ्रा वर्ड जो है क्या आपका जीनस है, पेंथ्रा टिग्रिस क्या है आपका जीनस, याद रखना, विद सेवरल कॉमन फीचर्स और ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस,
दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स. तो ये आपके से डिफर करता है, ठीक है, किससे, फेलिस से, कैट से. फेलिस आपका एक अलग जीनस है. फेलिस में कैट आते हैं, याद रखने, फेलिस में क्या आते हैं, कैट आते हैं. तो फेलिस एक अलग जीनस है और पेंथ्रा अलग जीनस है, उसमें पेंथ्रा लियो टिग्रेस ये सब आते हैं, इसको ध्यान रखना. फिर आपके पेंथ्रा और फेलिस को एक साथ रख दिया गया है एक ही फैमिली में, उस फैमिली को बोला जाता है फेलिडे. लिखा भी है अमोंग फॉर एग्जांपल पेंथ्रा कंप्राइजेस लायन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडे. तो आपके पेंथ्रा और कैट को एक ही आप कह सकते हो कुल में रख दिया, फैमिली में रख दिया, जिसको फेलिडे बोल दिया गया. ये एग्जाम्पल याद रखना. अब जो आपका कैट है और जो आपकी बिल्ली है, और जितने आपके बड़े बिग कैट भी बोलते हैं हम, जैसे शेर बाघ, इन सबको बिग कैट भी बोलते हैं ना. तो कैट जो होती है वो डॉग से अलग होती है, इसलिए डॉग अलग फैमिली में आता है, लेकिन कैट और टाइगर वगैरह सब एक ही फैमिली में आते हैं, ध्यान रखना. फिर डॉग और कैट एक ही किसमें आते हैं, नेक्स्ट फैमिली से आगे. आगे क्या होता है, फैमिली से आगे होता है ऑर्डर. तो अब ये दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं. यहाँ पर आप पढ़ेंगे कौन सा ऑर्डर है, देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखे. ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, मैं जस्ट आपको यहाँ पर बताने के लिए आई. तो मैं जस्ट आपको एक बार एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आप समझ जाना. जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि कॉन्वोल्यूशन सोलोनेसिया, उनको एक ही ऑर्डर में रखा गया, जिसको पॉलीमोनियल्स कहते हैं, ठीक है. जैसे कि आपका ऑर्डर कार्निवोरा है, कार्निवोरा आपका ऑर्डर है जिसके अंदर आपका फेलिडे, जो कि जिसमें कैट और टाइगर वगैरह आते हैं, और कैनिडे जिसके अंदर आपके डॉग्स आते हैं, याद रखना. तो फेलिडे और कैनिडे को फिर एक ही ऑर्डर में रख दिया गया, जो कि मैंने आपको पहले बोला कार्निवोरा. ये एग्जांपल्स आपको बताने चाहिए. तो भैया आपके ऑर्डर ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, और ये जो हायरार्की दे रखी है, सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर आपका क्लास, वर्ग, फिर फाइलम और डिवीजन, फिर जगत. इतना याद रखना. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जो सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, जो सिमिलैरिटीज हैं वो घटती जाती हैं, याद रखना. नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ते जाते हैं, लोग बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो फीचर्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं, वो घटते जाते हैं. ये सब का आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर दो तीन लाइन्स जो दे रखी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ, ठीक है. यहाँ पर मैं मार्क करवा देती हूँ लाइन्स को, ये मार्क करें आप. लोअर द टेक्सा, जितना छोटा टेक्सा है, मोर द, आप हिंदी इंग्लिश में प्लीज इसको नोट कर ले, इस टेबल के ऊपर वाला पैराग्राफ है, ठीक है. दैट द मेंबर्स ऑफ विद इन द टेक्सॉन शेयर हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. बोला है जितना लोअर टेक्सा है, उतने ही जो फीचर्स हैं वो ज्यादा सिमिलर है, ठीक है. दैट मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर हायर, जितनी ज्यादा कैटेगरी है उतनी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशन टू अदर टैक्सा. मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, आपको जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो घटती जाएंगी. जैसे अगर जैसे आप नीचे प्रजाति में सेपियन, सारे ह्यूमंस आते हैं, ठीक है. लेकिन आप प्राइमेट्स में जाओगे, ठीक है, प्राइमेट्स में ऑर्डर, फिर क्लास मेमेलिया में जाओगे, तो मेमेलिया में सिर्फ आपके जिनमें स्तन होते हैं, हेयर्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, सिर्फ वो आते हैं. इसमें बर्ड्स अलग हो गए, लेकिन अगर आप मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, इन सभी को एक फाइलम में रखा जाता है, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, फिर इनको एक जगत में रखा जाता है एनिमल. तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे किंगडम की तरफ, जो कॉमन फीचर्स हैं आपके और दूसरे जी एनिमल्स के बीच में वो कम होते जाएंगे, ठीक है. तो ग्रेटर इज द डिफिकल्टी, उतना ज्यादा आपको डिफिकल्टी होगी फीचर्स को, रिलेशनशिप को डिटरमाइन बताने में. यही लिखा है यहाँ पर, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. और क्या करना है, ये जो आपका टेबल दे रखा है इसको जरूर याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है. आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो याद रखना, और टैक्सोनॉमिक एड्स से आपका एक क्वेश्चन बनता है. तो मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक बताया, मैं लिख रही हूँ, उसको लिख लेना मेरे साथ. सबसे पहले, ठीक है, जो आपका लिविंग स्टेट वाला दे रखा है कि लिविंग का कौन सा क्राइटेरिया है, इसमें से मैक्सिमम आपका एक क्वेश्चन बनता है, रेयर है, याद रखना. पर आपको इसका बेसिक एक बार इसको रीड कर लेना, बस रीड कर लोगे, नॉलेज ले लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. दूसरा, जो मैंने आपको अभी हायरार्की पढ़ाई, क्लासिफिकेशन के कैटेगरीज वगैरह, जो मैंने आपको कैटेगरीज अभी बताई, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इनको आपको लर्न करना है विद एग्जांपल, लर्न विद एग्जांपल करना है, ठीक है.
लर्न विद एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका टैक्सोनॉमिक एड टेबल, जो टेबल दे रखा है इसको 100% लर्न करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, प्रीवियस ईयर से यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमिक एड, टैक्सोनॉमिक एड, ठीक है। और इसमें से भी पक्का आपका एक क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आ सकता है, सबसे ज्यादा इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हर्बेरियम है, याद रखना। दूसरा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मैनुअल वगैरह दे रखे हैं, मोनोग्राफ वगैरह दे रखे हैं, लास्ट लास्ट के पैराग्राफ में जाना, मैनुअल मोनोग्राफ ये सब लिख रखा है, उसको एक बार जरूर रीड करना, उसमें क्या दे रखा है बस, ठीक है। और बाकी म्यूजियम वगैरह ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। अच्छा म्यूजियम को भी याद रखना, इनके बाद म्यूजियम का नंबर आता है। बोटैनिकल गार्डन्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, क्यू बोटैनिकल गार्डन, ठीक है, लखनऊ का बोटैनिकल गार्डन, ये सब दे रखे हैं जिसको आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका हो गया लिविंग वर्ड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि लिविंग वर्ड में मुझे ये चीजें तो पक्का करनी ही करनी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ रही हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ बैक। अब मैं ले आती हूँ यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत वर्गीकरण। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे जाओ भैया इसके सबसे पहले इस टेबल पे जाओ, इस टेबल को याद कर सकते हो, रट सकते हो, जैसे कर सकते हो इसको रट लो, ठीक है, इस टेबल को लर्न कर लो, ठीक है। अब इसी टेबल के नीचे आपके विटेकर के बारे में लिखा हुआ है, विटेकर ने क्लासिफिकेशन 1969 में दी थी, क्या मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, ये आपको पूरा पैराग्राफ स्टार लगा लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेबल के नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ के नीचे एक और पैराग्राफ दे रखा है जहां पर कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है किसी भी लाइन से, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसीडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। द करैक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड सेल वॉल इन द सेल। मतलब मैं आपको बता रही हूँ भैया, ये वाला एक बार पढ़ लेना, एक बार इसको रीड कर लेना, क्या यहाँ पर दे रखा है इसको जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर बता रखा है सिर्फ इतनी बात कि भैया साइनोबैक्टीरिया को पहले हमने प्लांट में रखा था, फिर बाद में हमने इसको बैक्टीरिया में रख दिया, ठीक है। ये सब चीजें दे रखी है, वो आप देख लेना, ठीक है। ये आपको मैंने एक बार बोल दिया, भैया रीड कर लेना इस पूरे पैराग्राफ को। अब मोनेरा से क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मोनेरा में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो आर्की बैक्टीरिया पे बन सकता है, इनकी सेल वॉल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी होती, इनके जो लिपिड होते हैं, लिपिड ब्रांच्ड होती है, ठीक है, ब्रांच्ड होती है, याद रखना, ठीक है, सूडोम्यूरिन होता है। इनकी सेल वॉल ज्यादा रिजिड होती है जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन को सहन कर लेते हैं, इतना ध्यान रखोगे बात बन जाएगी। इसके अलावा थर्मो एसिडोफिल्स बोट एरिया में, सॉल्टी एरिया में, मार्शी एरिया में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपके अगर मैं देखूं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना, लिख रखा है कि भैया इनमें हेट्रोसिस्ट होते हैं और हेट्रोसिस्ट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है, मतलब नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल दे रखा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया नहीं, सबसे छोटी कोशिका, इतना भी ध्यान रखना, ये बात को भी ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका है ना कि बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब आते हैं प्रोटिस्टा पे, प्रोटिस्टा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यहाँ पर दो तीन चीजों को मार्क कर लो। सबसे पहले प्रोटिस्टा को याद रखना, प्रोटिस्टा आपका, सॉरी प्रोटिस्टा नहीं, यहाँ पर क्राइसोफाइट में आ जाओ। क्राइसोफाइट का सबसे सिंपल क्वेश्चन ये दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो समझ लो कि आपको याद करना ही पड़ेगा इसे। क्राइसोफाइट को डिस्माइट भी कहते हैं, डायटम्स भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डायटम्स, तो क्राइसोफाइट को बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपकी इसकी सिलिका की सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है,
और सॉप के बॉक्स जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डायटमिशियस अर्थ क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बींग ग्रिटी सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ऑयल और सिरप्स के लिए यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो इसकी लास्ट लाइन दे रखी है कि इस महासागरों में ये उत्पादकता की तरह काम करता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो आप प्लैंकटन पढ़ते हैं ना, पलवक, फाइटोप्लैंकटन, ये वो फाइटोप्लैंकटन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आपका क्राइसोफाइट के बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ये टॉक्सिन रिलीज करता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये टॉक्सिन रिलीज कर सकता है, इसको ध्यान रखना। और ये मोस्टली मैरीन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। दो फ्लैजिला इसमें होता है, ये दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और अदर ट्रांसवर्स होता है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इजेलोनॉइड्स में आ जाइए, ठीक है, इजेलोइड्स में ज्यादातर फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, स्टैगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, इंस्टेंट सेलेबल, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेलिकल जो कि प्रोटीन से बनी होती है, किसमें पाई जाती है, इजेलोनॉइड, और इजेलोइड में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ये कुछ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है। स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल याद रखना, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोइंस में एमीबाइड, प्रोटोजोइंस का एग्जाम्पल याद रखना, फ्लैजिलेटेड में कौन से आते हैं, सिलिएटेड में, पैरामीशियम, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट किंगडम फंजाई के आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद न्यूक्लियस, पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन, फिर कभी कभी जो आपके जैसे आपके जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें आपका डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, ठीक है, और फिर डाइकैरियोटिक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियर उपस्थित होते हैं, अभी फ्यूज नहीं हुए होते, उस स्टेज को डाइकैरियोटिक फेज बोला जाता है। जब वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उसको कैरियोगैमी कहा जाता है। उसके बाद जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, फिर उसमें मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल याद कर लेना, इसमें राइजोपस, एल्ब्यूगो, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एल्ब्यूगो जो है एक परजीवी कवक है, किसके ऊपर, मस्टर्ड सरसों के ऊपर, और जो म्यूकोर भी है याद रखना, इन तीनों एग्जाम्पल याद रखना। एस्कोमाइसिटीज में जो कोनिडिया होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा है पेनिसिलिन, ईस्ट सैक्रोमाइसिस, सेप्रोफिटिक डिस, आपको पता है कि भैया पूरे आपके फंजाई हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, ठीक है। बस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इस पेज में, जिसमें लिखा है कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि एक्सोजीनस ग्रो करते हैं, एंडोजीनस लिखा है यहाँ पर, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस मैसिंग, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस की। तो भैया जो इसके स्पोर्स हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, एस्कोस्पोर्स जो सेक्सुअल स्पोर्स है, और कोनिडियोफोर याद रखना एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्पर्जिलस और पेनिसिलिन। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई। अच्छा ये भी इसमें है कि खाने योग्य इडिबल फंजाई किसको कहा जाता है, मोरल्स और ट्रफल्स का एग्जांपल याद रखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं बता रही हूँ। बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ पर ग्रो करते हैं, सॉयल, लॉग्स, ट्री स्टम, लिविंग प्लांट बॉडी, बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। ये भी याद रखना इनमें आपका एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, इनमें सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स, देखिए एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ठीक है, बट वेजिटेटिव काइक जनन होती है जो खंडन द्वारा होती है, फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है भैया इसमें, ठीक है। याद रखना यहाँ पर लिखा है बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, इतना पता होना चाहिए। एग्जाम्पल पता होना चाहिए, एगेरिकस, उस्टिलेगो को स्मट कहते हैं, पक्सीनिया को रस्ट कहते हैं, और ये पैरासिटिक फंजाई है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में आपकी सेक्सुअल साइकिल एबसेंट होती है, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होती उनको ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल बस याद रखना कॉलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेट। अब सबसे लास्ट आ जाइए, प्लांट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे लास्ट आ जाएंगे आप किसके ऊपर, वायरस के ऊपर। वायरस को नेक्स्ट पेज कर लो, वायरस में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पैराग्राफ से आते हैं। ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, जिसमें दो तीन वैज्ञानिकों के नाम बहुत सारे इकट्ठा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर दो तीन वैज्ञानिकों के नाम भैया एक साथ है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, दो तीन वैज्ञानिकों के नाम मैं आपको मार्क करवाऊंगी, आप फटाफट मेरे साथ मार्क करेंगे उस वैज्ञानिकों का नाम। सबसे पहले
सबसे पहले दिमृति इवन वॉस्की याद रखना, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कॉज्ड मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। तो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको किस वैज्ञानिक ने, आपके सेकंड चैप्टर का सेकंड लास्ट पेज खोल लेना आप सभी, ठीक है। दिमृति इवन वॉस्की ने टोबैको मोजाइक बताया था कि टोबैको मोजाइक डिजीज होती है, इन आपके इन एक पॉइजनस पैथोजन है जो कि वायरस है जिसके द्वारा आपका टोबैको मोजाइक डिजीज होती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना तो भैया दिमृति इवन वॉस्की ने बता दिया, आप बेजर नहीं किया। दूसरे वैज्ञानिक का नाम, इन्होंने क्या किया, 1898 में डेमोन्स्ट्रेट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको मोजाइक कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्थी प्लांट एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस। इन्होंने भैया उस पैथोजन को, इसने क्या किया, टोबैको से वो लिक्विड उठाया, उसके अंदर का सैप लिया और दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। तो इसने बोला कि भैया इसका फ्लूड भी क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, और इस पॉइजनस पैथोजन को वायरस बोला गया और कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम यहाँ से नाम आया कि भैया एंड कॉल द फ्लूड, उस फ्लूड को, तरल को कॉन्टेजियम विवियम फ्लूड बना, इन्फेक्शन लिविंग फ्लूड। याद रखना ये किसने बोला, आपके M.W. बेजर ने किया। सबसे पहले दिमृति इवन वॉस्की जिसने टोबैको मोजाइक डिजीज बताया कि भैया बैक्टीरिया के कारण होता है और उनको क्रिस्टलाइज और वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ये भी पता लगा आपको। उसके बाद कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम किसने बोला, बेजर ने किया। M.W.M. स्टेनली ने क्या किया, इसको क्रिस्टलाइज किया था, याद रखना, ठीक है, क्रिस्टलाइज किया था कहां पर, कल्चर मीडियम में, शरीर से बाहर क्रिस्टलाइज किया था। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। यहां तक तो कुछ वैज्ञानिकों की बात आ गई। फिर यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी जो आपको याद रखनी है कि प्लांट में ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, ये चीजें लिख रखी है। इन एडिशन वायरस ओनली कंटेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए, नो वायरस कंटेन, भैया कोई भी वायरस में दोनों आरएनए डीएनए नहीं होता। इन जनरल वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, वो वायरस जो एनिमल को इफेक्ट करता है उनमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड या तो आरएनए हो सकता है या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनमें डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उनके प्रोटीन को कैप्सोमर्स कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन और उसके बने होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि भैया आपके वायरसेस कॉज डिजीज, जैसे कि मम्स, खसरा, ठीक है, ये सब डिजीज को करते हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, HIV के द्वारा उन्होंने होता है, और प्लांट में क्या क्या करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं। तो लीफ का रोलिंग होती है, कर्लिंग होती है, येलोइंग हो जाती है, वेन क्लियरिंग हो जाती है, ड्रॉफिंग होता है, स्टंटेड ग्रोथ, वृद्धि नहीं होती। इसके बाद आपके यहाँ पर जो दो तीन टर्म्स दे रखा है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, क्या क्या है, वायरॉइड्स है, प्रायोन्स है, लाइकन्स है, ये याद रखना है आपको। ये पूछा जाता है कि प्रायोन्स क्या होते हैं, विरोइड्स क्या होते हैं, विरोइड्स क्या होते हैं, बताइए भैया, लो मॉलिकुलर वेट आरएनए होता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन नहीं होते। और प्रायोन्स क्या होते हैं, आपकी जो प्रोटीन होती है उनकी वो गलत फोल्ड हो जाते हैं, तो जो प्रोटीन होती है वो काफी ज्यादा, मतलब वो इन्फेक्शियस हो जाती है, प्रोटीन की फोल्डिंग गलत हो जाती है, याद रखना, सिर्फ वो प्रोटीन होते हैं, प्रायोन्स मतलब सिर्फ फोल्डिंग, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करते हैं, देख लो भैया, ठीक है। प्रायोन्स कहते हैं, नोटेबल डिजीज कौन कौन सी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इनसेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, एनालॉगस वेरिएंट सीआर जैकोब डिजीज जो होती है वो ह्यूमंस में होती है, ठीक है, याद रखना भैया, ये आपके प्रोटीन के फोल्डिंग्स होते हैं, जो प्रोटीन की एबनॉर्मल फोल्डिंग, प्रोटीन की एबनॉर्मल फोल्डिंग, ठीक है। इसके अलावा 1971 टीओ डेनर discover new infectious agent that was smaller than the virus and caused potato spindle tuber virus, ये आपको पता होना चाहिए। लाइकन, आप सभी को पता है लाइकन एक सहजीवी संबंध है आपके फंजाय, कवक, फंजाय को क्या बोला जाता है, माइकोबाइंड, एल्गी को क्या बोला जाता है, फाइकोबाइंड, दोनों सहजीवी संबंध बना के रहते हैं, एक साथ ग्रोथ करते हैं, लाइकन वहां ग्रो होते हैं जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट है, ठीक है, आप सेकंड चैप्टर में मैं लिखवा देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहे हैं। सबसे पहले याद रखना, आपको पढ़ना तो सब पढ़ेगा, ठीक है, याद क्या करना है, याद क्या करना है वो बता देती हूँ आपको। प्रोटिस्टा बहुत अच्छे से करना है, प्रोटिस्टा को याद कर लेना, क्या कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको लर्न कर लेना आप सारा प्रोटिस्टा। उसके बाद फंजाई का आपको पता होना चाहिए, सेक्सुअल साइकिल आपके पता होनी चाहिए कैसे चलती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन से स्पोर्स बनते हैं,
एक्सो बनते, भाई बनते या अंत बनते एंडोजीनियस, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि फाइको, एस्को, बेसिडियो, डिट्रो के एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। और कॉमन नेम याद रखना, सभी के कॉमन नेम बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वायरस, ठीक है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है क्या, वायरस, विषाणु, वायरस, प्रियॉन्स, एक एक बार पढ़ लोगे, अच्छे से कर लोगे काफी, ठीक है। उसके बाद याद रखना फोर्थ पॉइंट में लिख लेना जो टेबल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, और उसके नीचे का कंटेंट आपको क्या करना है, बस रीड करना है एक बार समझ के लिए कि क्या लिखा हुआ है, पता होना चाहिए कि क्या लिखा क्या हुआ है, बस उससे ज्यादा नहीं कर, ठीक है। होप आप सभी को इतनी बात मेरी क्लियर है। आज दो ही चैप्टर रखते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है दो चैप्टर में मैंने 20 मिनट से ज्यादा ले लिए, तो मेरे को तीन चैप्टर्स और बताने, तो उसमें तो मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा, इतना टाइम नहीं भैया, आज इतना ही करते, दो ही चैप्टर लेते हैं, कल मैं इसको पार्ट टू कर दूंगी, तो जो आपके बचे हुए तीन चैप्टर, कोशिश करूंगी कल भी वैसे दो ही होगा, क्योंकि 20 मैं नहीं चाहती ये आधे घंटे एक घंटे का लेक्चर जाए, क्योंकि भैया फिर आप देखोगे नहीं, अभी अगर 20-25 मिनट का होगा तो आप देख भी लोगे, और वो आपके लिए आउटपुट भी अच्छा निकलेगा इसका, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे कि मैम ने ये टॉपिक्स बताए, ये टॉपिक्स इन चैप्टर के हमें पढ़ने ही पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते, ठीक है, छोड़ना नहीं है, तभी 360 स्कोर करोगे बेटा। इसी के साथ मैं सेशन को अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है, चलिए शाम को, चलिए, ओके बाय।